नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 43,000 नए शिक्षकों को जल्द ही मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार के 2.25 करोड़ बच्चों को फिर से मिलेगा मिड डे मील। मैट्रिक की परीक्षा केंद्र पर जूते मोजे पहनकर आने की मिली अनुमति। धान खरीद मामले में बिहार ने किया कमाल। ऋषभ पंत बने T20 टीम के नए उपकप्तान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 43,000 नए शिक्षकों को जल्द ही मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार में नए 43,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही होने वाली है। इसको लेकर बीते दिन शिक्षा सचिव और प्राथमिक निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी DEO के साथ बैठक की, जिसमें नियुक्ति को लेकर के पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। इन शिक्षकों की नियुक्ति 25 फरवरी से पहले होने की संभावना अब जताई जा रही है, जिसके बाद ही अब सभी जिलों को 12 फरवरी तक चयनितों के टेट और सीटेट प्रमाण पत्रों की जांच पूरी करनी थी और रिपोर्ट मुख्यालय को देनी थी। 43,000 में से 95% की पात्रता की जांच पूरी हो चुकी है। जिन 5% की बची है उन्हें भी जल्द ही सत्यापन का निर्देश दिया गया है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर शिक्षा मंत्री मंगलवार को निर्णय ले सकते हैं। मैट्रिक की परीक्षा केंद्र पर जूते मोजे पहनकर आने की मिली अनुमति। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा इस साल 17 फरवरी से 24 फरवरी तक संचालित होने वाली है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इंटर की भी परीक्षा 2 पालियों में ही होगी, जिसके तहत प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 या 12:15 तक अपराहन और दूसरी पाली 1:45 अपराहन से 5:00 बजे या 4:30 बजे अपराहन तक होगी। सबसे अहम बात यह है कि परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर आने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन बोर्ड ने फिर से स्पष्ट करते हुए कहा है कि परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा समय में COVID-19 के संक्रमण से सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया गया है। इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क का अनिवार्य प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग आदि का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। अमर शहीदों की प्रतिमा का अनावरण किया सीएम नीतीश ने। आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमर शहीदों की प्रतिमा का अनावरण किया। ज्ञात हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहीद स्मारक तारापुर मुंगेर में स्थापित अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण करते देखे गए। इस दौरान उन्होंने कई जवान शहीदों को याद किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के दौरान मुंगेर के तारापुर में वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देने में तनिक भी संकोच नहीं किया था। ब्रिटिशकालीन तारापुर थाना भवन, जिस पर 15 फरवरी 1932 को आजादी के दीवानों ने भारत माता को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था, उन्हीं की याद में अमर शहीदों की मूर्ति का निर्माण होना है, जिसका अनावरण कर दिया गया। साथ ही अब हर साल 15 फरवरी को राजकीय समारोह मनाने का ऐलान भी किया गया। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने शहीद पार्क और पुराने थाने परिसर में पार्क का भी लोकार्पण किया। बिहार के 2.25 करोड़ बच्चों को फिर से मिलेगा मिड डे मील। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। हालांकि अब स्कूलों को खोलने का आदेश जारी हो गया है। ऐसे में छात्रों को एक बार फिर से 2.25 करोड़ बच्चों के लिए खुशखबरी जारी करते हुए देखा गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसकी शुरुआत इसी महीने के अंतिम दिन यानी 28 फरवरी से 1 से 8 कक्षा तक में पढ़ने वाले बच्चों को उनके स्कूल में ही दोपहर का ताजा भोजन देने के साथ की जाएगी। लगभग 2 साल से पके हुए MDM का वितरण बंद है। सोमवार से ही राज्य के प्रारंभिक विद्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुलने लगे हैं और पहले ही दिन मध्याह्न भोजन निदेशक सतीश चंद्र झा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। ज्ञात हो, हाल ही में जनवरी से 15 फरवरी तक के 34 कार्य दिवस के लिए अनाज और राशि बांटने का निर्देश अपर मुख्य सचिव ने भी दिया था। BPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर अरबी के रिजल्ट की हुई घोषणा। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य अरबी के पदों पर नियुक्ति के लिए सफल अभ्यर्थियों के रिजल्ट को जारी कर दिया है। इस में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नोटिस के अनुसार अरबी के कुल 6 पदों पर नियुक्ति के लिए कुल 29 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 12-13 जनवरी 2021 और 12 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया था। बेटा एयरपोर्ट के लिए 108 एकड़ भूमि का हुआ आवंटन। पटनावासियों को जल्द ही एक और नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। इसके निर्माण का काम अब तेजी से पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि बेटा एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मांग के अनुरूप 108 एकड़ भूमि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन के पास जमीन उपलब्ध करवाने के लिए कोई मांग अभी तक लंबित नहीं है। अब मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से प्रदत्त निर्देश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। 2 मंजिला बेटा एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग को व्यावसायिक उड़ान संचालन के लिए
2021 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। मौजूदा बिहटा वायुसेना स्टेशन का विस्तार वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन में सुविधा के लिए किया गया है। डोरंडा केस में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को किया दोषी करार। बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व सीएम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत में दोषी करार कर दिया गया है। झारखंड में चारा घोटाले के कुल 5 मुकदमों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाए गए थे। 4 मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वहीं रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 1996 में दर्ज हुए इस मामले में शुरुआत में कुल 170 आरोपी थे। इनमें से 55 आरोपियों की जान जा चुकी है, जबकि 7 आरोपियों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बना लिया। 2 आरोपियों ने अदालत का फैसला आने के पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया। 6 आरोपी आज तक फरार है। बिहार में इस साल नहीं होगा जल जमाव, नगर निगम ने किया दावा। बिहार में जल जमाव हर साल की समस्या रही है। ग्रामीण इलाके तो ग्रामीण इलाके, बरसात के मौसम में शहरी इलाकों का हाल भी बदतर हो जाता है। हालांकि हर साल की भांति इस साल भी बरसात के आगमन से पहले बिहार में जल जमाव नहीं होने का दावा किया गया है, क्योंकि सरकार ने नगर निगम को मिशन 100 का प्लान दिया है। इस अभियान के तहत मानसून शुरू होने से पहले 100 दिनों के भीतर शहर के सभी नालों की उड़ाही का कार्य का अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर बिहार के नगर विकास मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को शहरी निकायों के अंतर्गत साफ सफाई और स्वच्छता कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की, जिसमें ही उन्होंने उक्त दावे किए हैं। साथ ही उन्होंने इन काम को जून के द्वितीय सप्ताह से पहले पूरा करने का निर्देश भी दिया है। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के आखिरी दिन 400 से अधिक छात्र हुए निष्कासित। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का समापन बीते दिन हो गया। हालांकि बीते दिन परीक्षा के आखिरी दिन भी कदाचार के आरोप में कुल 464 छात्रों को निष्कासित करने का काम किया गया है, जिसमें टॉप 3 में नालंदा में सर्वाधिक 78 परीक्षार्थी, सारण में 68 परीक्षार्थी और वैशाली में 62 परीक्षार्थी सस्पेंड किए गए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से 1 फरवरी से आयोजित किए गए इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा बीते दिन यानी सोमवार को ही खत्म हो गई है, जिसके तहत बीते दिन पहली पाली में विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त विषय समूह के अंतर्गत विभिन्न भाषा विषयों की परीक्षा का आयोजन किया गया। वहीं अब जल्द ही कॉपियों की जांच शुरू होने वाली है, साथ ही अगले महीने रिजल्ट जारी करने की संभावना भी जताई जा रही है। बच्चों पर कोर्बेवैक्स के आपात इस्तेमाल की सिफारिश। कोरोना की 3 लहरों के बाद दवा नियामक DCGI के विशेषज्ञ की समिति ने 12 से 18 साल के बच्चों में कुछ शर्तों के साथ कोर्बेवैक्स वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की सिफारिश की है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो इस सिफारिश को अंतिम मंजूरी के लिए DCGI को भेजने का काम भी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित कोर्बेवैक्स भारत का स्वदेश विकसित पहला प्रोटीन आधारित कोरोना टीका है। इसको लेकर DCGI सिर्फ वयस्कों पर इस्तेमाल के लिए 28 दिसंबर को ही अनुमति दे चुका है, लेकिन इस टीका को देश के टीकाकरण अभियान में अभी शामिल नहीं किया गया। हालांकि अभी भी 15 साल से कम उम्र के लोगों को टीका लगाने की अनुमति अभी फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। धान खरीद मामले में बिहार ने किया कमाल। बिहार सरकार इस बार धान खरीदारी के मामले में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड को बना रही है। सोमवार तक ही पूरे प्रदेश भर में लगभग 44 लाख टन धान खरीद की जा चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आज आखिरी दिन भी है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस साल धान खरीद का लक्ष्य 45 लाख टन का आंकड़ा आसानी से पार कर जाएगा। पिछले साल 2021-22 में राज्य में 35 लाख टन धान खरीदारी हुई थी। आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य के 6,11,000 से ज्यादा किसान अपना धान बेच चुके हैं। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने बताया है कि किसानों से खरीद की गई धान की कुल कीमत 8,372 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग आज करेगा अंतिम जनसुनवाई। बिहार में बीते कई महीने से आप भी बिजली दर में बढ़ोतरी की खबर जरूर सुन रहे होंगे। हालांकि इसके लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने जनसुनवाई की बात कही थी, जिसका आज अंतिम दिन है। आज अंतिम जनसुनवाई आयोग करने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली दर में 10% वृद्धि की मांग करते हुए देखे गए थे। आम लोगों से कंपनी के प्रस्ताव पर राय के लिए विद्युत विनियामक आयोग निर्णय लेगी। जनसुनवाई पूरी हो जाने के बाद और मार्च में आयोग नई बिजली दरों की घोषणा करेगा और नई बिजली दर 1 अप्रैल 2022 से राज्य में लागू होगी। चिराग ने आज से शुरू की LJRP का बिहार बचाओ मोर्चा। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आए दिन सीएम नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, साथ ही बीते कुछ दिनों से वो कई बार मीडिया में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कर चुके हैं। इसी को लेकर आज से उन्होंने बिहार बचाओ मोर्चे की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वो करते देखे गए। हालांकि बिहार का यह मार्च बिहार में बढ़ते अपराध और अपराधियों के बढ़ते मनोबल को लेकर शुरू किया गया है। वहीं दूसरी तरफ LJPR बिहार में राष्ट्रपति शासन
लगाने की मांग को लेकर के आज पटना के गांधी मैदान के पास स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थल से राजभवन तक बिहार बचाओ मार्च निकालते देखी गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजभवन मार्च के समर्थन में राजधानी के सभी प्रमुख क्षेत्रों में पार्टी के नेताओं की तरफ से होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और पार्टी का झंडा लगाया गया था। ऋषभ पंत बने T20 टीम के नए उपकप्तान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को वॉशिंगटन सुंदर के T20 सीरीज के बाहर होने की खबर के साथ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के नए उपकप्तान की घोषणा कर दी। केएल राहुल के सीरीज से बाहर होने के बाद बीसीसीआई ने ऋषभ पंत पर यह जिम्मेदारी सौंपी है। बोर्ड के इस फैसले से यह समझ आता है कि बीसीसीआई पंत में निवेश करने का प्लान बना रही है। बता दें कि राहुल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण T20 सीरीज से बाहर हुए थे। उनके रिप्लेसमेंट के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया है। देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट का दौर जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 27,409 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,26,92,943 पर पहुंच गई है। देश में करीब 44 दिन के बाद संक्रमण के दैनिक मामले 30,000 से कम दर्ज किए गए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4,23,127 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंगलवार सुबह 8 बजे के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार इस महामारी से 347 और मरीजों की जान जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या 5,09,358 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार COVID-19 के दैनिक मामले लगातार 9वें दिन 1,00,000 से कम रहे। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 99 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,223 पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है परवेज आलम, गजेंद्र सिंह, गोनर शर्मा, नुनू कुमार, कविता कुमारी, प्रिया यादव ऑफिशियल, प्रवीण कुमार, राम प्रवेश, विकास पंडित, भीम हंट, रंजीत मिश्रा, सत्येंद्र सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बीच क्या आप अभी भी कोरोना से बचाव के लिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।